जवाबी कीर्तन की विधा का निर्वहन करने के लिए चलते हैं नीरव विश्वकर्मा एंड पार्टी के सक्षम साथियों को बार बार नमन वंदन करते हुए। पहला गीत ससम्मान में आपकी तरफ भेंट कर रहा हूँ आदरणीय नीलम विश्वकर्मा जी, ये मेरी मजबूरी है। पहला गीत मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ और जैसा कि आदेश मिला उस आदेश का पालन करने के लिए हमें जवाबी की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। चलो बेटे, तो मैं ससम्मान आपकी तरफ भेंट दे कर रहा हूँ इस गीत को। आप सुनिएगा, प्यारी सी धुन दे रहा हूँ, सुनिए। क्या बात बेटे, कि कब मैं किसी से गीत की तरफ ध्यान चाहूंगा सभी लोगों का। एक धनुष रखा हुआ है राजा जनक के सभा में, स्वयंवर हो रहा है माता सीता के लिए। तो देखिए वहां हुआ क्या, क्या बड़े, अरे क्या मेले है क्या मेल है, अरे क्या खेल है, क्या मेल है, क्या खेल है, कोई पास है कोई फेल है। उस स्वयंवर में क्योंकि वो धनुष किसका है पहले ये सुनिएगा, ये जिसने खेल रचाया उस धनुष के कारण। तो सुनिए, ये जिसने खेल रचाया, खेल रचैया कैसा होगा, अरे जिसका धनुआ ऐसा धनुष धरैया कैसा, जिसका धनुआ ऐसा धनुष धरैया कैसा होगा।
धनुष रखने वाले कोई और नहीं, भोले बाबा के बारे में चर्चा हो रही है। जय हो। के जिसने खेल रचाया, खेल रचैया कैसा होगा। अरे जिसका धनुआ है धनुष धरैया कैसा, चौपाई लिख गए हैं जिसके आधार पे हम लोगों को कुछ समझ में आता है। क्या बने कि भूप सहस तस एक ही बारा सवास लगे उठावन डरई नटारा। जियो बेटे। भूप सहस तस एक ही बारा लगे उठावन डरई नटारा, और जब कोई नहीं उसे हिला पा रहा है तो देखिए हुआ क्या। क्या बने के जिसने डोरी खींची, आराम से बैठे आराम से, जिसने डोरी खींची डोर खिंचैया कैसा होगा। सभी राजा सोच रहे हैं उस महफिल में, उस स्वयंवर में सोच रहे हैं कि जिसने धनुआ तोड़ा धनुष तोड़ैया कैसा। क्योंकि तुलसीदास जी लिख के गए हैं, लेत चढ़ावत खेचत गारे काहू न लखा भूप सब ठाड़े। सभी देख तो रहे हैं लेकिन ये किसी ने नहीं देख पाया कि कब टूट गया। ये सुनिएगा, सुनिए एक बात और सुनिए। सुनिए द्वापर में चलते हैं। चले चलो बेटे। रास रचाते किसन कन्हाई, हा कन्हाई बहुत बढ़िया बेटे। रास रचाते किसन कन्हाई, हा कन्हाई तो बंसी ने टेर लगाई। रास रचाते किसन कन्हाई, जब बंसी बजाई प्रभु ने तुन सुन ब्रजी बालाए डोली। क्या बात। तुन सुन ब्रजी बालाए फूली, अपने काम काज सब भूली। इनकी हर प्रात मां से है और हर एक रात मां से है। नामों को देखिए जरा, इनको जो मिल रही वो सौगात मां से है, इनकी हर प्रात मां से है, हर एक रात मां से है। नीलम विश्वकर्मा जब इनका नाम देखा तो इनका विराम मां पर है, लेकिन मुकेश मृदुल जब इनके नाम को देखा तो इनकी शुरुआत मां से है। नीलम विश्वकर्मा दोनों जगह मां, नीलम विश्वकर्मा दोनों में बाद में माँ, और मुकेश मृदुल दोनों में माँ। इनके
आइएगा, आमंत्रित करता हूँ बिना किसी औपचारिकता के कुमारी नीलम विश्वकर्मा जी। आज दोनों सुरीले कलाकार हैं और आज आपको वो देखने को मिलेगा जो अन्य मंचों में नहीं मिलता है। हालांकि अन्य मंचों में बहुत कुछ देखने को मिलता है जो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आज के कीर्तन जगत में जो प्रदूषण फैला हुआ है, आज के इस मंच में हमारे वो सभ्य कीर्तन हो, वो संस्कारित कीर्तन हो कि आज के इस कीर्तन को देख करके आने वाली पीढ़ी की तरफ से। कि जिसने खेल रचाया, खेल रचैया कैसा होगा, होगा कि जिसने खेल रचाया, खेल रचैया कैसा होगा, होगा कि जिसका धनुष है ऐसा धनुष धरैया कैसा होगा, जिसका धनुष है ऐसा धनुष धरैया कैसा होगा, और जिसने धनुष है तोड़ा वो धनुष तुड़ैया कैसा होगा, लोगों ने सुना है गीत को। और इसी श्रृंखला में हमारे माननीय सम्मानीय चाचा जी पिंकी आजाद के चाचा, हमारे सम्मानीय चाचा जी मूलचंद इटोहा राठ, आपके माध्यम से, चाचा जी के माध्यम से 21 पद मुद्राएं भेंट है, आजीवन आशीर्वाद की कामना है। आइए कहना है क्या शमानी बड़े भैया, आपने बताया है कि धनुष रचैया कैसा होगा, आइए उससे पहले चलते हैं। क्या बात है, धनुष बना कहां से? जब राजा दधीच की हड्डियों से धनुष का निर्माण हुआ तो कहना पड़ा क्या, इस जग का कल्याण किया है। Yeah!
कुछ बनाया गया, निवेदन किया देवताओं ने, निवेदन किया उन्होंने, हड्डियों का दान कर दिया। क्या बात है, कहना है इस जग का कल्याण किया है, तने हड्डी का दान किया है, तने हड्डी का दान किया है, तने हड्डी का दान किया है, तन को दान कर दिया, हड्डियों का भी दान कर दिया, तो कहना पड़ा तन हड्डी का दान किया है। तने हड्डी का दान किया है, तो कहना पड़ा या देवता, समझे भैया, देवता और देवता शब्दों पर गौर करिए, देवता समझ, देवता कोई देवता, देवता कोई देवता हो जिसको ये पता कि दान दिया जो अपने तन का, राजा दधीच ने कि दान दिया जो अपने तन का, दान दिया जो अपने तन का, तो दान करैया कैसा हो, होगा क्या बात, तो कहना पड़ा क्या कि दान दिया जो अपने तन का, वो दान करैया कैसा होगा, तो जिसका धनुआ बना वो धनुष बनैया कैसा होगा, जिसका धनुआ बना वो धनुष बनैया कैसा होगा, का धनुष बना दिया, तो कहना है जिसने धनुष बनाया वो बनवैया कैसा होगा। आइए दूसरा प्रसंग सुनिए, धनु का चाप पल में चढ़ाए, कह दिया वीर विहीन मही में जाने, विश्वामित्र जी ने जब आज्ञा दी प्रभु श्री राम को, वो जब राम जी को आज्ञा दी तो प्रभु श्री राम ने ऐसे उठा लिया उस धनुष को जैसे कोई बच्चा गेंद उठा लेता है, धनुष टूट गया, माता जानकी का विवाह हो गया, विवाह हो गया, वरमाला पड़ गई, तो उधर एक दिक्कत और हो गई बड़ी, क्या बात है, शाबाश, परशुराम जी आ गए, जब परशुराम जी आ गए संदेह है कि प्रभु श्री राम नारायण है, तो उन्होंने एक संदेह का निवारण करने के लिए अपना धनुष उठाकर दे दिया, और ये मानस में इशारा भी मिला है कि राम रमापति खरधन लेहू चहू ताप मिटह संदेह, कहना पड़ा, जब इशारा कर दिया तो सुनिएगा बड़े भैया, धनु का चाप, धनु का चाप चढ़ाए, प्रभु श्री राम ने धनु का चाप चढ़ाए, तो पल में समझिए बड़े भैया, राम रमापति करधन लेहू, कि राम
रमापति कर धन लेहु खींचहु जाप मिटहि संदेहु। कह दिया तो धनु का चाप चढ़ाए पल में कि धनु का चाप चढ़ाए पल में वो चाप चढ़ैया कैसा होगा। तो जिसने धनुष बना दिया बनवैया कैसा हो। जिसने धनुष बना दिया बनवैया कैसा हो। क्रमशः बांसुरी बनी, अन्य शस्त्र भी बने। जब बांसुरी बनी तो कहना पड़ा पूरे 25 का वास है पाए की वंशी मोहन पाए। वाली तो कहना पड़ा पूर 25 का वास है पाए जिसकी बंसी वा तो जिसकी बंसी मोहन पाए। तो इतना सुंदर पास लाए वो बनव कि जितना सुंदर पास लाए वो बनवैया कैसा होगा। इतना सुंदर वास पे बांस से बनी बांसुरी तो कहना पड़ा किस इतनी सुंदर बांस जो लाए बांस लवैया कैसा होगा। तो जिसने बनाया उस वंशी को बनवैया कैसा होगा। तो जिसने बनाया उस वंशी को बनवैया कैसा होगा। उसमें से धुन निकल रही है जो संसार को मोह लेती है। तो कहना पड़ा कि जिसने बनाया उस वंशी को बनवैया